Kargil War. Kargil War. Kargil War. 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, इनके मुतालिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग इनको अच्छा समझते हैं तो कुछ लोगों के नज़दीक ये एक जालिम शख्स के सिवा कुछ नहीं था। अब वाक़ियतन ये अच्छे थे या बुरे वो तो आप वीडियो देखकर जानो और इसका फैसला आप खुद करो। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत से वाक़ियात हुए जिन पर अगर हम तफसीली गुफ्तगू करें तो हर एक पर एक लंबी सी वीडियो बन सकती है, मगर इनमें से कुछ ख़ास इस वीडियो में मौजूद बहस होंगे। तो ये बात है 11 अगस्त 1943 की, जब परवेज़ मुशर्रफ न्यू दिल्ली में पैदा हुआ। फिर 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उनकी फैमिली कराची आ गई। अपने 1964 में फ़ौज को ज्वाइन किया और कोयटा में आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और इसके अलावा लंदन में कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से भी तालीम हासिल की थी। इन्होंने 1965 और 1971 की भारत के ख़िलाफ़ जंगों में भी शिरकत की थी। 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इनको मुसल्ह अफवाज का सरबराह मुकर्रर किया था। 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कारगिल वार हुई थी वो भी इन्हीं की सरबराही में हुई थी। 1971 की जंग में इंडिया ने कारगिल के कुछ महाज पर कब्जा कर लिया था जो इस जंग का सबब बनी थी। पर दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फार्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अमन माहिदा किया था कि अब कोई भी जंग नहीं होगी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के आपसी इख्तलाफात बढ़ते गए जो कि बाद में आगे चलकर मुल्क में मार्शल लॉ लगने का भी सबब बना। तो ये बात है 10 अक्टूबर 1999 की, जब परवेज़ मुशर्रफ अपनी अहलिया के साथ श्रीलंका के दौरे पे थे तो इनके पीठ पीछे बिना इनको खबर दिए नवाज शरीफ ने आपको आर्मी चीफ के पोस्ट से हटा दिया। उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का फैसला हुआ और दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ की वापसी की फ़्लाइट भी टेक ऑफ कर चुकी थी जो कि कराची के एयरपोर्ट में लैंड करने वाली थी, मगर नवाज शरीफ ने पीआईए हेड अमीनुल्लाह चौधरी और आईजी सिंध को लैंडिंग रोकने के अहकाम जारी कर दिए। शाम के वक्त करीब 6 बजे ट्रैफिक कंट्रोल से कैप्टन को खबर दी गई कि आप जहाज़ को एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। लेकिन वो एक मुसाफिर तैयारा था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ समेत 150 से ज़्यादा मुसाफिर भी थे, इसलिए नवाज शरीफ ने त्यारे को इंडिया के शहर अहमदाबाद में लैंड कराने का नोटिस जारी किया जो कि किसी खुदकुशी से कम नहीं था, क्योंकि कुछ ही अरसा पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कारगिल वार हुई थी। त्यारा मुसलसल 30 मिनट से हवा में घूम रहा था और दूसरी तरफ फ्यूल भी बहुत कम रह गया था। फिर जनरल इफ्तिखार को जब सारी सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने ज़बरदस्ती एयरपोर्ट की कमांड अपने हाथ में ले ली और जहाज़ को लैंड करवाया, जिसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने हुक्म जारी किया कि मुल्क को टेक ओवर किया जाए और किसी को मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए। और ये तारीख थी 12 अक्टूबर 1999, जब एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल करके पार्लियामेंट को तहलील कर दिया और पाकिस्तान को अबूरी तौर पर चलाने के लिए सिविलियन और फौजियों की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल तश्कील दी और 2001 में आपने सदारत संभाली। 2001 से लेकर 2008 तक आप सदर पाकिस्तान मुकर्रर थे। 2003 में पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला वाक़या पेश आया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिन्होंने MIT यूनिवर्सिटी से PhD की थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ ने चंद डॉलर्स की खातिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसका एतराफ़ परवेज़ मुशर्रफ ने खुद इन द लाइन ऑफ फायर बुक में भी किया था। 2003 में जब इनको अपने घर से अगवा किया गया तो 2008 तक इनका कुछ मालूम ही नहीं था कि आया वो जिंदा है या नहीं, और इतने वक्त में वो बस जुल्म और सितम का शिकार बन रही थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हुआ था। ये बात है 3 जुलाई 2007 की। बज़ाहिर तो ये ऑपरेशन 2007 में शुरू हुआ, मगर इसकी असल इब्तिदा 2006 में हो चुकी थी। 2006 में परवेज़ मुशर्रफ जब नवाब अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में कामयाब हुआ और नवाब अकबर बुगटी को कत्ल करवा दिया। खैर ये भी एक अलग तफसीली वाक़या है। फिर इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन शुरू की। 2007 में जिस दर्जे का कर्फ्यू इस्लामाबाद के अंदर उन दिनों लगा था, इससे पहले कभी नहीं लगा था। उस वक्त की दहशत को कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जहां एक ही वक्त में गन्स की फायरिंग, गोलाबारी और आंसू गैस की शीलिंग की जा रही हो। इस बमबारी और फायरिंग के चलते 1100 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे और इसके अलावा 3200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये सारा वाकया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उसी के हुक्म से हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से आलमी सतह पर उस पर काफ़ी प्रेशर था कि वो लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन करे, क्योंकि वो जिहादी तंजीमों का गढ़ था और अलकायदा के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। चूँकि अलकायदा का हाथ 9/11 में भी था, जो कि 2001 में हुआ था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ऑपरेशन का काफ़ी प्रेशर था। 2007 में ही परवेज़ मुशर्रफ ने सदारत के लिए दोबारा इंतखाबात की कोशिश की, लेकिन 2 अहदे एक साथ रखने की वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तंजीमों की जानिब से काफ़ी मुखालफत का सामना था, जिसके चलते अगस्त 2008 में उन्होंने सदारत से रिज़ाइन कर दिया और ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली और 2013 में फिर से कौमी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। 2016 में परवेज़ मुशर्रफ मुल्क छोड़कर दुबई चला गया। तिबी मुआयने की वजह से उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ अब तक दुबई में ज़ेर इलाज था, लेकिन आखिरकार तवील अलालत के बाद 5 फरवरी 2023 को इनका इंतकाल हो गया। अब ये आप पर है कि आप इनकी शख्सियत के मुतालिक कैसा नज़रिया रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मालूमात हासिल हुई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।